ये हमारी आदिवासी
उसको हमें निकालना। और हमारी जो बहने हैं बेटियां हैं, हमारे गुजरात में भी कहावत है, मैं हर जगह बताता हूं कि लोग घर में एक बेटी जो पढ़ी लिखी हो तो हमारा सात पीढ़ी का अवतार पार होता है। ये हमारी गुजराती कहो, जो पढ़ी लिखी औरत आएगी, बेटी आएगी आपके घर में, तो बेटी पढ़ी लिखी होगी, सारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे, और ऐसे सात पीढ़ी तक पढ़ाई का चलेगा तो सात पीढ़ी ठीक हो गई कि नहीं हो। अब देखो बहुत बुराई है हमारा दारू पीना, कई गलत गलत नियम है हमारा समाज का, लेकिन जो समाज पढ़ा लिखा होगा उसको जरूर समझेगा कि ये नियम बराबर, उस पर परिवर्तन करना जरूरी है। ये भी हमारे समाज के आपको और बड़े लोगों को भी बोलता, ये जुर्म नहीं कर रहा है, हमारी जिम्मेदारी है कि जितने बच्चे अभी छुड़ के नहीं जा सके, घर घर लगे वाले अगल बगल के लोग हमारे लोग पड़ोसियों के साथ देखो कि कितने बच्चे नहीं गए, उसको घटना पटा के स्कूल में भेज दो। ये मेरी आपसे ये काम बहुत बड़ा है हमारे गुजरात सरकार जो भी बच्चा तो स्कूल में माँ बाप पढ़े लिखे समझदार है, वो तो अपना बच्चे पहले स्कूल चालू होते ही जमा करते, कोई गलत काम करे सरकार प्रवेश। अरे भाई जो बच्चा आ रहा है उसका माँ बाप लेके आ रहा है, उसको तो क्या काम कर। मैंने एक सजा कर दो बच्चे गए हैं अभी बोला कि 15-20 दिन के बाद स्कूल में जाके देखो, गांव गांव तलाशी सरकार मामलेदार सबको काम को समझा दी कि किन किन के बच्चे कुछ नहीं गए उसको पकड़ो, और ये हमारा रेशन कार्ड सब बच्चों का नाम उनके साथ देखो कि कितने स्कूल में आते कितने नहीं आते पकड़ाएगा। तो ये काम हमको करना। दूसरा मैंने सजेशन दिया सकता भाई आप नहीं कर सकते हो, जो बच्चे हैं तो जो वो क्या बोलते हैं विजन लोगों का विजड़ा बोलते हैं क्या विजड़ा के क्या बोलते बच्चे ढूंढ ढूंढ के लाए का पैसा दो कैसे भी कर बच्चा ढूंढ के लाए कितना दिन सरकारी का काम, लेकिन वो हिजड़ा अपने बच्चों को काम है। मैं आपको यहाँ की सरकार को प्रश्नों के बारे में बोलो कि बच्चे जो नहीं आते उसके लिए कोई करना कहने का बहुत है। दूसरी बात है कि हमारा खाना पीना नहीं उसके लिए बच्चे आप बैठे रहे, इसीलिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पधारे, फिर भी आपको बहुत बहुत बधाई हो, कहाँ भी हो आदिवासियों की मीटिंग का नाम पड़े सारे आदिवासियों जो भी संदेश मिलता है वो हमारे नाम काम कर सकता है, ये काम भी बहुत जरूरी है। इन शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके ये जय आदिवासी, हमें मोबाइल आ गया टेलीफोन आ गया जो भी आया ठाकरे उमाताई घासमोर आभार प्रदेश यवतमाळ जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष आदरणीय सुनील भाऊ
झाले हे आभार प्रदर्शन करतील. धन्यवाद सर्वांना. जे आदिवासी लोकेताई आपल्या त्यांना जिल्हाध्यक्ष महिला पत्ता म्हणून त्यांना आज अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचा दर्यापूर येथे आदिवासी विकास प्रबोधक आदरणीय साहेब मोके साहेबांच्या जीवनचरित्रावर पुस्तकाचं विमोचन आणि नवापूर महाराष्ट्र राज्याचे माजी मंत्री आदरणीय शिवाजीरावजी मोके साहेब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय शंकरलालजी घोडासाहेब, आदरणीय तिरकी साहेब, आदरणीय सरकुंडे साहेब, आदरणीय नामदेवराज हुसेनराज पंधरे, रामकृष्ण चौधरी, नारायण कराळे, अजबराव उइके, अमरावती अध्यक्ष श्री चव्हाण साहेब, नारायण कराळे, श्यामरावजी व्यवहारे या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली. विकास स्पर्धेचे सर्व नियम तुम्ही आकस्मित कराल आणि त्या नियमाच्या